let y is equal to under the root x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5. Again, we are having five terms over here. So direct आप यहाँ पे differentiation नहीं करेंगे. Logarithmic differentiation हम करेंगे. So this can be written as y equal to, यहाँ पे आप इस root को replace कर दोगे with the power half. Then next step में you will taking log on both sides. So this will be y is equal to taking log on both sides. So यहाँ पे आप log ले लोगे. So log y is equal to log of जो given आपको terms हैं root हटा के हमने यहाँ पे power ले लिया 1/2. So this log y is equal to ये आ जाएगा आपका half of log. अब ये आपकी form बन रही है log of m into n upon P Q R. So जो आपके यहाँ पे terms multiply हो रही हैं वो log के साथ आप plus में ले लोगे, जो divide हो रही हैं वो log के साथ minus में ले लोगे, यानी कि this is log of m plus log of n minus log P minus log Q minus log R. तो ये चीज आ जाएगी आपके यहाँ पे log m n upon PQR is log of m plus log of n minus log p minus log q minus log r. Same concept हम यहाँ पे लगाएंगे. So this will be half of half, क्योंकि ये power में आगे आ रहा है, सबके साथ रहेगा, तो यहाँ पे हमने जो है बड़ी वाली bracket use कर ली. So this is log of x minus 1 plus log of x minus 2. अब जो है टर्म्स आपके डिनोमिनेटर वाली हैं तो सबके आगे नेगेटिव साइन आप लगाओगे. सो माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 5 एंड एट द लास्ट जो आपकी ब्रैकेट है वो आप क्लोज कर दोगे. अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट योर आंसर. उसके बाद जो आपको कल भी मैंने बताया था कि जब आप लॉग का डेरिवेटिव लोगे तो वन अपॉन की फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि y आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है तो दिस विल बी वन अपॉन y इनटू dy बाय dx. दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हाफ अगेन एज इट इज रहेगा. जब आप इन टर्म्स का डेरिवेटिव लोगे तो दैट विल बी लॉग x माइनस 1 इज 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 इज फर्दर डिफरेंशिएबल जिसका डेरिवेटिव यू नो इज 1. तो वो मैं यहाँ लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन अगेन हियर इट इज 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5. हर एक में जो आपकी लॉग वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव आप 1 अपॉन की फॉर्म में लेंगे इनटू जो आपकी ब्रैकेट है वो फर्दर डिफरेंशिएबल है, बट उसका डेरिवेटिव जो है आपका वो क्योंकि 1 आ रहा है तो हमने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया, वी हैव टेकन इट डायरेक्टली. तो 1 अपॉन x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, log of x माइनस 2 इस डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x माइनस 2, log x माइनस 3 डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x माइनस 3 एंड इन द सेम वे नेक्स्ट टू डेरिवेटिव्स आप ले लोगे. अब ये y का आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमारी जो गिवन थी स्टेटमेंट वो x के टर्म्स में थी, तो ये y वाली टर्म हम बीच में नहीं छोड़ सकते. इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो y की जो आपकी वैल्यू है वो आप रिप्लेस कर दोगे इससे. तो दिस वाज गिवन टू बी x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इनटू 1/2, और ये फुल ब्रैकेट आपका एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. दोबारा देख लो इसको, आपको गिवन था यू आर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ये वाली टर्म आपको गिवन थी. हमने क्या किया, ये रूट हटा के जो है पावर में हाफ लिख लिया. Then taking log on both sides. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टर्म्स ज्यादा है तो अगर मैं u by v का फॉर्मूला लगाती हूँ तो that becomes complicated.
तो वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे उस मोमेंट पे आपका जो ये टर्म्स हैं इनमें या मल्टीप्लीकेशन का साइन हो या डिविजन का साइन, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता है तो आप डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना. अब यहाँ पे क्योंकि ये टर्म्स आपकी प्रोडक्ट और डिवीजन में थी तो हमने डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया. लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम रेज टू पावर एन वाला कंसेप्ट यूज किया यहाँ पे, दैट इज एन लॉग एम. तो ये हाफ आपकी जो पावर थी ये आगे आ गई, देन लॉग ऑफ एम इंटू एन अपॉन पी क्यू आर वाला कंसेप्ट यूज किया, दैट इज जो मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म्स वो लॉग के साथ ऐड हो जाती हैं, जो डिवीजन में होती हैं टर्म्स आपकी वो लॉग के साथ माइनस हो जाती हैं. सो दिस इज अगेन का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया. लॉग वाई का डेरिवेटिव इज वन अपॉन वाई इंटू, क्योंकि वाई आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हाफ एज इट इज, देन लॉग वाली टर्म्स का डेरिवेटिव. उसके बाद ये वाई आप इधर ले जाओगे, यहाँ पे आप y को रिप्लेस कर दोगे जो आपकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप्स देन यू कैन आस्क. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में करेंगे. आई विल जस्ट गिव यू द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन अगेन वी आर हैविंग cos x raised to power log x raised to power cos x. अब यहाँ ध्यान, जब हमें क्वेश्चन में वेरिएबल पावर वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आई एम गिवन log x raised to power cos x, यहाँ पे भी मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे भी मेरा वेरिएबल है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म वेरिएबल पावर वेरिएबल. वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल. लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने किया था That were the questions of exponential form, जो a to the power x की फॉर्म में थे, where a जो है आपकी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन होती थी. बट इस वाले एक्सरसाइज में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे यहाँ भी वेरिएबल गिवन है, बेस भी वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, x की फॉर्म में गिवन है और पावर भी x की फॉर्म में गिवन है. तो जब ये वेरिएबल पावर वेरिएबल आपकी फॉर्म बनती है और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, तो जस्ट सी दिस वेरी केयरफुली. अगेन हम क्या करते हैं, वेरिएबल पावर वेरिएबल में वी यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जैसे हमने प्रीवियस टू क्वेश्चंस में यूज किया है. तो अब यहाँ पे सिंगल टर्म हम लेके चल रहे हैं, सिंगल ही टर्म हमें गिवन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो दिस इज लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स. ये ध्यान से करना, जब ये लॉग ऑफ लॉग आ जाता है तो ज्यादा कंफ्यूजन रहती है. Now this is log y is equal to log m raised to power n. So n आपका आगे चला जाएगा, यानी कि this will become cos x into log of log x. अब ये आप first term ले लो, ये आप second term ले लो and simplify कर लो इसको, differentiating both sides with respect to x. So log y का derivative 1 by y dy by dx, this is equal to, अब u into v, u as it is, derivative of v, अब यहां ध्यान दो, ये वाला log of log x है, तो इस वाले log का जब derivative लिया मैंने 1 upon जो भी यहां था, तो this will become 1 upon log x, into ये वाला log x further differentiable है, तो this is डेरिवेटिव 1 बाय एक्स. दोबारा देख लो इसको, लॉग ऑफ लॉग एक्स, अगर मैं इसको ए से रिप्लेस कर दूं, ए वेयर ए इज अ वेरिएबल, तो लॉग ए का डेरिवेटिव आपका 1 अपॉन ए की फॉर्म में आना चाहिए, तो 1 अपॉन ए यानी कि 1 बाय लॉग एक्स. अब क्योंकि ये आपका ए फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या बनता है, 1 by x. So log of log x का derivative आपका क्या बनेगा, 1 by x into log x. दोनों denominator में आएंगे, 1 upon x log x. अब यहाँ पे क्योंकि आप u into v use कर रहे हैं, आपने पहले u as it is लिया, derivative of v ले लिया, अब next step में plus
v as it is derivative of u. So log of log x as it is derivative of cos x is minus sin x. अब ये वाला negative sign आप यहाँ लिख दोगे तो this is 1 upon y dy by dx is equal to cos x upon, इनको मैंने सबको इकट्ठा लिख दिया, x log x minus sin x into log of log x. ये वाला y फिर से इधर जाएगा, y की replacement होगी log x to the power cos x से, and that will be your final answer. मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया बीच में, पहले आप ये वाला y यहाँ लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप y को रिप्लेस करोगे log of cos x से. बाकी सारा as it is, cos x upon x log x minus sin x into log of log x. So this is your answer. If any doubt is there, you can ask. इस सॉल्यूशन में किसी स्टेप में अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क. ओके देन द फोर्थ क्वेश्चन. अब फोर्थ क्वेश्चन में आपकी वही चीज यूज होगी जो अभी तक मैं कह रही थी. अब यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन इज देयर, सो यू कैन नॉट टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स डायरेक्टली. अब इस क्वेश्चन में आई एम गिवन एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 to the power sin x, x to the power x minus 2 to the power sin x. अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स डायरेक्टली अगर करती भी हूं तो आई विल बी हैविंग दिस. मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, log of m minus n cannot be written as log m minus log n. तो यही रीजन है कि हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से यूज नहीं करते. तो जब भी टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस का साइन आएगा आपने डायरेक्टली उनको टेकिंग log on both sides नहीं करना है. आप इसको ले लोगे y is equal to u minus v. यहां मैंने किया let u is equal to x to the power x and v is equal to 2 to the power sin x. टू टू दी पावर साइन एक्स तो हमारा जो है वो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. ए टू दी पावर एक्स वाला आपका कंसेप्ट लग जाएगा, लॉग लेके ना भी करें तो चलेगा. बट यहाँ पे क्योंकि एक्स टू दी पावर एक्स है तो इसको मुझे जो है वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही लेना पड़ेगा. तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, या तो आप अकेला इसका डेरिवेटिव ले लो और बाकियों का डायरेक्ट ले लो, या फिर आप इसको y इक्वल टू यू माइनस वी की फॉर्म में लेके इसको u मान लो इसको v मान लो, दैट इज अप टू यू. अब जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x हमें डेरिवेटिव लेना है तो दिस विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. यहाँ हमने क्या किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब मैं यू है मेरे पास डी यू बाई डी एक्स निकाल सकती हूँ, वी है मेरे पास मैं डी वी बाई डी एक्स निकाल सकती हूँ, और फिर वो जो दो डेरिवेटिव्स आए मेरे पास मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगी तो आई विल गेट माय आंसर. तो यहाँ पे अगेन दिस इज वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, so logarithmic differentiation we will go for. So differentiating both sides with respect to x, so this will be du upon dx is equal to x log x. log of x to the power x ko maine direct likh diya x log x. ab yahan pe iska derivative lena hai mujhe, pehle taking log on both sides karo फिर डेरिवेटिव. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स सो दिस इज लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स को आई हैव डायरेक्टली रिटन एज एक्स लॉग एक्स. अब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
So this is 1 by u into du by dx is equal to derivative of x log x. X as it is, derivative of log x is 1 by x. X ka derivative further aapka 1 hota hai, to yahi aapka derivative khatam. Plus log x as it is, derivative of x is 1. तो ये आ गया आपका du upon dx. ये वाला u मैं इधर लिख रही हूँ, ये आपका कैंसिल आउट होके दिस इज 1 प्लस log x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x log x इज 1 प्लस log x. अब इस u को आप रिप्लेस कर दोगे, सो लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1, दिस बी योर इक्वेशन नंबर स्टार. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर sin x. 2 टू द पावर sin x का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो दैट इज a टू द पावर x बन गई फॉर्म आपकी, तो उसका जो आपका डेरिवेटिव होता है दैट इज a टू द पावर x इनटू log a. तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा 2 टू द पावर sin x इनटू log 2. अब यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है, 2 टू द पावर यहाँ पे क्योंकि sin x था, तो sin x आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x आप ले लोगे, दैट इज cos x. तो डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर sin x आपका बन गया 2 टू द पावर sin x log 2, ये फर्दर डिफरेंशिएबल था, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. सो ये हमारा हो गया. अब आप इनको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दोगे, ये आपकी सेकेंड टर्म बन गई. यहाँ से du by dx, यहाँ से dv by dx, you will put in this equation star, so you will get your answer. So dy by dx is equal to x to the power x into 1 plus log x. यहाँ नेगेटिव साइन है ये ध्यान देना, तो माइनस 2 टू द पावर sin x log 2 into cos x. So this is your answer. तो यहाँ ऐसे questions में आपने ध्यान देना है. अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो log वाली लेके भी कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि यहाँ a टू द पावर x वाली फॉर्म बन रही थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है. यहाँ पे आपको log अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल के बन गए. कुछ बच्चे इसको e टू द पावर में भी कन्वर्ट करके करते हैं, तो यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, दैट इज अप टू यू कि आप लॉग वाले मेथड से करना चाहते हो कि ई टू द पावर लॉग वाले मेथड से करना चाहते हो. दो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट. अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करेंगे, मार्क इट डाउन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर हैविंग x प्लस 1 बाय x टू द पावर x. प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स. अब फिर से यहाँ ध्यान दो, मेरे पास दो टर्म्स हैं, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म इफ आई सी तो ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, सेकंड टर्म में भी दिस इज वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल वाली फॉर्म बन रही है. बीच में लेकिन प्लस का साइन है, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट टेक लॉग ऑन बोथ साइड. अगेन y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर आपका जो u है दैट इज x प्लस 1 बाय x टू द पावर x, एंड v जो है दैट इज x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x. सेम वे में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तीनों को क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. अब हमने डी यू बाई डी एक्स निकालना है, हमने डी वी बाई डी एक्स निकालना है, एंड वैल्यूज रिप्लेस कर दी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये वाला जो पावर था ये मैंने एक्स लॉग से पहले लिख दिया, सेम वे में यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
यहाँ पे भी 1 प्लस 1 बाय एक्स जो पावर थी वो मैंने लॉग एक्स से पहले, जब मैंने यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो मेरे पास ये बना, ये वाली पावर आगे आ गई तो आई एम लेफ्ट विद लॉग एक्स ओवर हियर। सेम वे में यहाँ पे जब हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये एक्स लॉग से पहले आ जा, ये हमारे पास रहेगा। आप डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज 1 बाय u इनटू du बाय dx। नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। यहां ध्यान से देखना, x एज इट इज, लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1 अपॉन ब्रैकेट में जो भी लॉग के आगे है वो एज इट इज। नाउ दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाय x। ये छोटे छोटे जो डेरिवेटिव्स हैं ये आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट लिख सकते हो। x का डेरिवेटिव यू नो दैट इज 1, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इफ यू विल फाइंड आउट दैट यू विल फाइंड आउट टू बी माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 बाय x का डेरिवेटिव मींस दैट कैन बी रिटन एज x टू द पावर माइनस 1, देन पावर फॉर्मूला लगाओगे माइनस 1 आ जाएगा आगे, x टू द पावर पावर में से माइनस 1 किया तो दिस बिकम माइनस 1 इनटू x टू द पावर माइनस 2। तो x टू द पावर माइनस 2 को जब आप डिनोमिनेटर में लाओगे दैट विल बी माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो 1 बाय x का डेरिवेटिव डायरेक्ट अगर आपको याद है दैट इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो यू कैन पुट इट डायरेक्टली। तो जब हमने यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ करना है तो दैट विल बिकम 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर। अगर कोई कैंसिलेशन हो रही होती है यू कैन डू द कैंसिलेशन। अब दिस इज du अपॉन dx इज इक्वल टू u इनटू x into 1 minus 1 by x square upon x plus 1 by x. U को replace कर दो, now अब ये आपकी मर्जी है कि इस power x, x plus 1 by x to the power x और इस x plus 1 by x to the power माइनस 1 को आप कैंसिल आउट करना चाहते हो। इफ यू वांट टू कैंसिल इट डाउन तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 बाय x टू द पावर x माइनस 1 इनटू x इनटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर ये डिनोमिनेटर में से यहाँ से ये पावर 1 हटके यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। दैट इज अप टू यू इफ यू वांट टू डू और नॉट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे जब हम, तो 1 अपॉन v अपॉन dv बाय dx इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया, नो वन हैज ओके वन हैंड आई कैन सी आई थिंक मानविया इट्स फॉर दिस ओनली कि मैंने यू इनटू वी डैश कर दिया प्लस वी डैश इनटू यू नहीं किया। इज योर हैंड रेज फॉर दिस पर्पस ओनली? यस मैम। एंड मैम द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इज लॉग एक्स 1 बाय वी पार्डन डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स log x nahi, here you will write down this as minus 1 upon x square. Mod x ka derivative 1 by minus nahi leke chalte aap, 1 by x nahi leke chalte, that is mod x upon x leke chalte. So this will be minus 1 upon x square only. Ab yahan pe maine u into v dash kar diya plus v dash into u karna hai to log of x plus 1 by x saath mein likha jayega yahan pe. So, ये आपका फर्स्ट वाला बन गया u का डेरिवेटिव। नाउ वी आर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v. डेरिवेटिव ऑफ v के लिए दिस इज x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x. सो v इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स जब आप करेंगे कहाँ का है ये? अच्छा ठीक है 24 को, अच्छा बिफोर दैट आई हैव टू ओके। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये हो जाएगा लॉग वी
का डेरिवेटिव 1 by v into dv by dx is equal to, again यहाँ पे u into v लगाओगे, तो u as it is derivative of v plus v as it is into derivative of this will be minus 1 by x square. अब ये v आप उधर ले जाओगे, v को replace कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस इनटू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन वन एंड टू यू विल पुट इन स्टार एंड यू विल गेट योर आंसर. थोड़े से ये क्वेश्चंस को ध्यान से करना है स्टार्टिंग में, बाद में ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे. तो बस ये ध्यान रखना है, इफ वी आर हैविंग वेरिएबल पार वेरिएबल, बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन है, डायरेक्ट आपने उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है. टेक द फर्स्ट टर्म एज यू, सेकंड टर्म एज वी, बीच में जो यहाँ पे साइन होगा वो साइन आप यू और वी के बीच में लगा दोगे, देन डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आपकी स्टार इक्वेशन ले लेना, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो. फिर इन दोनों टर्म्स को आपने अलग अलग डिफरेंशिएट करना है एंड दो वहां से आपके आंसर्स आएंगे उसको आपने यहाँ पुट करना है, दैट विल बी योर फाइनल answer. So I hope the step is clear to you. Plus या minus जहाँ पे है, logarithmic differentiation आप direct नहीं लगाओगे. Take the first term as u, second term as v. दोनों का अलग अलग derivative लो using logarithmic differentiation या e to the power वाला method आप use कर सकते हो. That is up to you. जो इनके results आएंगे, that you will put over here in this equation star, and that will be your answer. So now moving on to question number 7, you will try yourself. I'm just discussing question number 8 now. Question number 7 is your homework part. Now the question number 8, that we are having sine x to the power x plus sine inverse root x. Ab yahan pe again ek variable hai mere paas sine x to the power x, so usko main alag se simplify kar leti hu, baki main direct yahan pe kar dungi. साइन इनवर्स रूट एक्स आई कैन सॉल्व आउट डायरेक्टली. सो द क्वेश्चन इज साइन एक्स टू द पावर एक्स, सो इसको हम ले लेंगे वाई इज इक्वल टू चाहो तो u प्लस v से कर लूं, अब मैं दूसरे उससे कर रही हूं. यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट मुझे डेरिवेटिव्स पता है, सिर्फ इसका निकालना है. इसको मैं अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगी. यहाँ पे ले लेते हैं u इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x taking log on both sides. ये आ गया हमारे पास. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे हम, तो 1 by x into du by dx is equal to u into v. u as it is, derivative of this is 1 by sin x. Sin x is further differentiable, so into cos x. तो ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव, प्लस v as it is, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन. तो ये मेरे पास आ गया इसका डेरिवेटिव. आई कैन रिप्लेस दिस विद cot x, सो दिस इज x cot x प्लस log ऑफ sin x. ये वाला x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे u आएगा, नॉट x, दिस इज u. तो ये u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू रिप्लेस दिस. आप इसको रिप्लेस कर दोगे with sin x to the power x. और ये ब्रैकेट आप किया as it is. अब ये जो इक्वेशन वन है आपकी, दिस यू विल यूज ओवर देयर, वहां पे यूज करोगे. तो यहाँ पे हमें पता है हमने लेना है डेरिवेटिव dy by dx as it is,
ये वाला डेरिवेटिव हम यूजिंग वन पुट करेंगे, साइन एक्स टू दी पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आ गया आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, अब ये फिर से ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स का आपका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास रूट एक्स है एक्स की जगह, तो उसी को लेके हम चलेंगे। सो दिस इज वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स की जगह मेरे पास रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ फिर से ध्यान दो कि दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, ये जो है आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो आपने इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है। आपको मैंने बताया हुआ है कि वन बाय रूट एक्स का जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे साथ में वन अपॉन टू रूट एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यहाँ पे ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे, सो यू विल गेट योर आंसर फॉर दैट। साइंस का आप चेक कर लेना, प्लस माइनस अकॉर्डिंगली जो है आप लगा लोगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क पार्ट। ये सारे वेरिएबल पावर वेरिएबल की फॉर्म में है, तो यू आर टू डू दीज क्वेश्चन योर सेल्फ। अब बच्चे एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, वो यहाँ पे आपने माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स नहीं कर देना, यहाँ पे ये वन अपॉन टू रूट एक्स ही होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव रूट एक्स का ले रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आर योर होमवर्क पार्ट्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ही सेइंग कि फाइंड द dy by dx फॉर द गिवन फंक्शंस। dy by dx जो है हमने निकालना है फॉर द फंक्शन x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x के लिए हमें जो है डेरिवेटिव निकालने हैं इसके, तो अगेन हम इसको u प्लस v मान लेंगे क्योंकि दोनों में वेरिएबल पावर वेरिएबल है हमारे पास। मैंने इसको मान लिया u प्लस v इज इक्वल टू 1, वेयर जो मेरा u है वो क्या है x टू द पावर y और v जो है दैट इज y टू द पावर x। यहाँ पे अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आप डेरिवेटिव ले लोगे। Differentiating, this is 1 by u du by dx, y or log x ka lena hai aapne, y as it is, derivative of log x is 1 by x plus log x as it is, derivative of y is dy by dx. Ab same way mein aap yahan pe karoge, this is log v, so 1 by v into dv by dx is equal to x as it is, derivative of log y, 1 by y into dy by dx plus log y as it is, derivative of x जो आपका आएगा that is 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो ये आपकी dy by dx वाली टर्म्स आ रही हैं, इनको as it is ही लेके चलना है और हमें यहाँ से du by dx और dv by dx निकालना है, ये ध्यान रखना। तो du by dx आ जाएगा u into y upon x plus log of this was y into log x into dy by dx, ब्रैकेट लगा लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होती आपको। और सेम वे में यहाँ पे v आपका उधर चला जाएगा, तो dv by dx is equal to v into x upon y dy by dx
प्लस लॉग वाई। अब v को यहाँ पे रिप्लेस कर दो y टू द पावर x से, u को यहाँ पे रिप्लेस कर दो x टू द पावर y से। अब यहाँ पे आओ, u प्लस v इक्वल टू हमने 1 पुट किया था, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी। अब डी यू बाई डी एक्स यहाँ से पुट कर दो, दैट विल बी, इधर पुट कर रही हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। So this will be the last question for today. One more minute I will take. So this is du by dx plus dv by dx is equal to zero. अब du by dx आप यहाँ से put करोगे, u को x to the power y लेंगे. So this is x to the power y into ये वाला bracket आपका as it is आ जाएगा, y upon x log x dy by dx. Then dv by dx में v को रिप्लेस करोगे y टू द पावर x से और ब्रैकेट आपका एज इट इज आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और दिस नहीं, अभी आगे सर्च करना है आपको, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy by dx की, तो आपको dy by dx वाली टर्म्स इकट्ठी लेनी है और बाकी जो विदाउट dy by dx वाली टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx की। dy by dx इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेना, बाकी जो रह जाएगा दूसरी तरफ जाके वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सो दिस यू विल सिंप्लीफाई फर्दर, आप इसको सिंप्लीफाई खुद से करोगे, dy by dx वाली टर्म्स एक तरफ रखो, बाकी सभी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाओ और dy by dx की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुमारो। If any doubt is there, so you can unmute yourself and ask the doubt. Otherwise, I am ending the meeting. And if 9th B students are there, they are to rejoin. 10th C. Manikaran, you are to rejoin, bache. 12th standard, fine then. I am ending the meeting. Thank you. Have a nice day.